हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल त्यागी क्लब में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गंगा एक्सप्रेसवे के बुलंदशहर ज़िले के स्याना तहसील के कौन कौन से गांव आएंगे। गांवों के नाम बताने वाले हैं इसमें कि बुलंदशहर ज़िले के स्याना तहसील के किन किन गाँवों से होकर निकलेगा ये गंगा एक्सप्रेसवे। तो वीडियो को एंड तक देखना और पूरे गाँवों के नाम सुनना अच्छे से ध्यान से, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं, पहले ये सुन लीजिए कि प्रयागराज तक की दूरी हो जाएगी कम। स्याना से जुड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे आगे सीधा NH 334 पर जाकर मिल जाएगा, जिसके चलते जनपद से प्रयागराज की दूरी कम हो जाएगी और यात्रा सुगम हो जाएगी। एक्सप्रेसवे हापुड़ अमरोहा संभल बदायूं शाहजहाँपुर हरदोई उन्नाव रायबरेली और प्रतापगढ़ होते हुए जनपद प्रयागराज बाईपास पर ख़त्म होगा। इसके बाद देखिए कौन कौन से गाँव हैं स्याना तहसील के, यह गांव जुड़ेंगे एक्सप्रेसवे से। गंगा एक्सप्रेसवे से स्याना के पोटा कबूलपुर, भीटा, हिंगवाड़ा, लाडपुर, इकलैडी, बहापुर, वलीपुर और कुचेसर गांव जुड़ जाएंगे। एक बार फिर सुन लीजिए, पोटा कबूलपुर, भीटा, हिंगवाड़ा, लाडपुर, इकलैडी, बहापुर, वलीपुर और कुचेसर गांव जुड़ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए, कुल लंबाई होगी 594 किलोमीटर। गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर की होगी। गंगा एक्सप्रेसवे बनने से जनपद वासियों के लिए प्रयागराज तक का सफ़र कई घंटे कम हो जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे जनपद से जुड़ने से ज़िले के विकास में गति आएगी। लोगों में इसको लेकर हर्ष व्याप्त है। इससे बनने से ज़िले विकास में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। इसके बाद देखिए एक्सप्रेसवे की चौड़ाई, यह एक्सप्रेसवे 6 लेन चौड़ा 8 लेन में विस्तार होगा तथा संरचनाएं 8 लेन चौड़ाई की बनाई जाएंगी। एक्सप्रेसवे के राइट ऑफ वे की चौड़ाई 120 मीटर प्रस्तावित है। एक्सप्रेसवे के एक और 3.75 मीटर चौड़ाई की सर्विस रोड स्टैंडर्ड रूप में बनाई जाएगी, जिससे परियोजना के आसपास के गाँव के निवासियों की आवागमन की सुविधा मिल सके। दोस्तों, इसके गाँव के नाम बता दिए हैं मैंने जो स्याना तहसील के हैं गढ़मुक्तेश्वर ज़िले के। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।